फिजिकल सेपरेशन प्रोसेसेस। ठीक है, हेलो, यस सर। तो पहले टॉपिक की चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, सो पर्टिकुलरली इट इज इजी टू मीडियम है, डिफिकल्टी लेवल। ठीक है, डिफिकल्टी ऑफ टॉपिक That, next is like marks. Marks आ जाते हैं 1 marks, 2 marks बीच में every year. Every year नहीं बोल सकते but आ जाते हैं, मतलब frequently यहाँ पे every year हटा देते हैं frequently. Topics generally important topics or gate in this case आपका एक तो आ जाएगा settling में gravity settling. ठीक है, next is centrifugation, उठाने की व्यवस्था हो गई मामा की। आप लोग एक just a second, हेलो हेलो, यस सर, यस सर, सॉरी इनकन्वीनियंस हो गया घर पर। ठीक है, चलो, हाँ कहाँ थे हम लोग, सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, एक और आता है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फाइव स्टार प्रॉब्लम्स यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज योर फिल्ट्रेशंस, 2 स्टार, बहुत ही रेयर क्वेश्चन आए हुए हैं, इसमें चांसेस कम रहते हैं। ठीक है, इस चैप्टर से इन टॉपिक्स में क्वेश्चन आने हैं। और थर्ड है आपका, फोर्थ टॉपिक इज सेपरेशन, यहां से प्रॉब्लम आ जाते हैं। ठीक है, सेपरेशन पे प्रॉब्लम आता है तो ये भी एक 5 स्टार प्रॉब्लम। सेपरेशन मतलब आपको सेविंग में बोल देगा आधा इधर है, आधा इधर है, आधा इधर है, क्या होगा। ठीक है, सो उस टाइप के क्वेश्चन हम लोग करेंगे, उसका भी एक शॉर्टकट है, जैसे अपना बॉक्स मेथड है, मास एनर्जी बैलेंस में सिमिलर वे में हम लोग हैं। नाउ talking about the number of lectures we will be taking 3 lectures. ठीक है, एक पूरा सेपरेशन में जाएगा, ठीक है, एक हम लोगों का ये दोनों में जाएगा, और एक हम लोग फिल्ट्रेशन और बॉल वॉल में देखेंगे। ठीक है, ज्यादा हम लोग डीप नहीं जाएंगे क्योंकि टॉपिक अच्छा है, लेकिन टॉपिक बहुत बड़ा है, अगर आप सारे फॉर्मूले लिखोगे तो नी नी करके 20+ फॉर्मूले हो जाएंगे, अनवॉन्टेड फॉर्मूले से हम लोग को ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं आएंगे। ठीक है, इज इट क्लियर एवरीवन? हेलो, यस यस, सेपरेशन में सेपरेशन इफेक्टिवनेस पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, सेपरेशन इफेक्टिवनेस, तो ये आप कभी भी नोट्स बनाओ तो ये शुरू में ऐसा लिख लिया जाता है, तो इट इज मतलब बहुत अच्छा रहेगा। तो शुरू करते हैं हम लोग फिल्ट्रेशन, हम लोग लेटर आएंगे, पहले हम शुरू कर लेते हैं पर्टिकुलर सेटलिंग एंड सेंट्रीफ्यूगेशन, ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, हेलो, हमारे मीटिंग और रिकॉर्डिंग ऑन हो गया था? हाँ सर, ऑन हो गया है। चलो, पर्टिकुलरली देखो, अब हम लोग किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं, हम लोग सबसे पहले देखते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन क्या क्या आ रहा है। सो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज बी दे माइट आस्क यू द टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, दूसरा टर्मिनल वेलोसिटी का इसको यूज करके आपको आर ई कैलकुलेट करवा सकता है मोस्ट ऑफ, अभी तक शायद एक या दो या फिर एक भी नहीं आया, लेकिन चांसेस है बन सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज लाइक दे माइट आस्क फॉर मजदूरी, यहां से आपको मजदूरी करवाया जा सकता है। मजदूरी पता है ना सबको, लेबर वर्क। यस सर, मतलब तुमको आर दे दिया जाता है, रो दे दिया जाता है, ओमेगा कैलकुलेट करवाना, मतलब
अभी बात करेंगे हम लोग आगे उस टॉपिक पे. सो मजदूरी करवाया जाए, दिस इज सेकेंड टाइप ऑफ प्रॉब्लम. ठीक है, ये जनरल प्रॉब्लम्स होते हैं. या हेलो हेलो, यस सर. फिर एक आता है तुम्हारा नंबर ऑफ फोल्ड्स. ये एक अच्छा क्वेश्चन है, आए हुए गेट में शायद 14 या 15 में आया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन, इस पे भयंकर क्वेश्चन आए हुए, मतलब लेने करके 8 से 9 क्वेश्चन आए हुए लास्ट इयर्स में. लेट मी चेक ना, देखो किसी का माइक कौन है. हेलो, कौन है भाई? निखिल सरदाना. सरदाना क्या है भाई? चलो हाँ शुरू करें टॉपिक. हेलो, रेडी? फिल्ट्रेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में आएंगे. अभी हम लोग पर्टिकुलरली देखो एक एक और अगर कोई टाइप बचेगा तो हम लोग आगे कंटिन्यूस कर लेंगे टॉपिक में. नाउ लेट्स जंप टू द मेजर थिंग. देखो फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सेटली. आपके सबके घर में दूध तो रखते होंगे, मिल्क. एवरीवन ड्रिंक्स मिल्क ना. हेलो, यस सर. सब लोग मिल्क पीते हैं. तो हम लोग पहले सिग्निफिकेंस की बात कर लेते हैं. आप मिल्क पे देखते हो पर्टिकुलरली, आप मिल्क को गर्म करके स्टैंड बाय रख देते हो 2 घंटे के बाद. ठीक है, एफ टी इक्वल टू 0. एफ टी इक्वल टू 2 आवर्स. ठीक है, क्या डिफरेंस होता है 2 घंटे बाद, कोई भी बता सकता है? क्रीम का लेयर आ जाता है सर ऊपर. व्हाई? ड्यू टू ग्रेविटी. ओके, जस्टिफाइड. एनी अदर पॉइंट सर? ड्यू टू डेंसिटी ऑफ फैट इज लेस एंड अस्की डेंसिटी ऑफ ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस है बेसिकली. ठीक है, ग्रेविटी इफेक्ट, डेंसिटी डिफरेंस. एनी अदर पॉइंट? पब्लिक चैट बॉक्स में भी डाल सकता है अगर कोई मिसिंग है. देख पटेल, ये पॉइंट अच्छा वैलिड है, नो डाउट. ये पॉइंट भी वैलिड है, बट इन दोनों पे एक और इफेक्ट आता है कि आपका साइज एंड शेप ऑफ पार्टिकल्स. होमोजेनाइज मिल्क को 10 घंटे रखो वैसे ही रहता है कि नहीं? हाँ सर, उसमें नहीं होता वो क्रीम का. हेलो हेलो, यस सर. हेलो, तो पटेल डेंसिटी तो फैट की वहां पे भी अलग है और नॉर्मल एमल्शन मतलब नॉर्मल मिल्क की. आया ना सर? वहां पे फैट ग्लोब्यूल के साइज सेम होती है ना? या दैट्स व्हाट करेक्ट पॉइंट. इसीलिए मैं बोल रहा हूं ना, साइज एंड शेप पे भी बहुत डिपेंड करता है अल्टीमेटली. अगर आपका साइज ऑफ द फैट ग्लोब्यूल्स ज्यादा बड़े हैं तो वो डेंसिटी इफेक्ट काउंट होता है. अदरवाइज अगर वो साइज एंड शेप बहुत छोटे हैं, इट्स लाइक वेरी माइनर पार्टिकल्स लेस देन 4.5 माइक्रोन्स, इतना होता है ना जनरली होमोजेनाइज मिल्क का. यस सर, उससे लेस में आपका डेंसिटी इफेक्ट और ग्रेविटी इफेक्ट काउंट ही नहीं होता है, इसी कारण सेटलिंग नहीं होती है. देखा होगा मिल्क में, होमोजेनाइज मिल्क कभी भी सेटल नहीं होता है. यस और नो? यस सर. यस सर. सो कभी भी अगर ऑप्शंस में मिल जाए कि settling is majorly because of this, this and size or single correct हो, तो आप single correct में ये मारेंगे इनके अलावा. ये choice है, but this is the best choice. Size and shape पे ज़्यादा depend करता है, सबसे बड़ी choice है. ये अगर छोटा होगा ना तो ये वो हो जाएगा, क्या बोलता है, minimize हो जाता है. क्योंकि यही अगर change नहीं है तो फिर that is the main thing. Getting everyone? Significance समझ गए ना? भूख वाली लैंग्वेज तो मैं बोल के चले जाऊंगा, कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन फसाया कहां फसाया जा सकता है मैं वो बात कर रहा हूं. क्लियर एवरीवन? पटेल कोई डाउट? नो सर. नो सर.
अंजलि कोई डाउट? नो सर। ठीक है चलो लेट्स मूव अगेन। ठीक है नाउ सो थर्ड पॉइंट इज साइज एंड शेप। ठीक है तो एक इम्पोर्टेंट लॉ होता है जनरली, ये लॉ आप याद रखिए क्योंकि क्या बोलते हैं वो मैच द कॉलम में ये लोग पूछ सकते हैं। सो मैच द कॉलम में आप कभी पूछ सकते हैं कि लॉ बिहाइंड सर्किंग एंड ऑल, तो लॉ गवर्निंग आता है आपका। कैन एनीवन टेल मी व्हिच इज द लॉ? हेलो स्टॉक्स लॉ। हेलो हेलो यस सर। ठीक है सो स्टॉक्स लॉ इज द मेन व्हिच इज यूज्ड फॉर मींस आइडेंटिफाइंग द वेलोसिटी। वेलोसिटी हम लोग क्यों करते हैं उसकी बात करेंगे, हम लोग वेलोसिटी की क्यों बात करते हैं इसमें, वी विल टॉक अबाउट एवरीथिंग। ओके जस्ट होल्ड ऑन। सो स्टॉक्स लॉ इज जनरली यूज्ड टू आइडेंटिफाई द वेलोसिटी ऑफ सेटलिंग और सेपरेटिंग। ठीक है क्लियर एवरीवन? चलो हम लोग साइज रिडक्शन में बात किए थे, एक आपका प्रेसिपिटेशन मेथड याद आ रहा है? हेलो, दो टाइप का साइज रिडक्शन होता है ना, किसी को याद है कि मैकेनिकल? हेलो, एक तो आपका मैकेनिकल होता है, एक प्रेसिपिटेशन बेस्ड होता है। तो प्रेसिपिटेशन में क्या होता है कि बड़ा साइज अगर ज्यादा हाई डेंसिटी वाला है वो नीचे आ जाता है, छोटा साइज ऊपर होता है। ठीक है ऐसे में बड़ा साइज बाहर जाता है, रिमेनिंग छोटा साइज होता है। तो आप पर्टिकुलर होल मिक्सर का साइज रिड्यूस कर दिए कि नहीं? यस सर। हेलो यस सर। एंड आल्सो बाय एडिशन ऑफ सम अदर केमिकल्स यू कैन मेक इट डन। ओके कि बड़े पार्टिकल्स बाहर हो जाते हैं, सो दैट इज वन थिंग। इसी का भी इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनाया हुआ है, ये मेन चीज से बताया हूँ कि मॉक टेस्ट में क्वेश्चन डाला हूँ मैं, आज ही बनाया हूँ उसको, फ्रेम किया हूँ, तो वहां पर आपको मिलेगा, तो कंफ्यूज ना हो। ठीक है गर्मी। ठीक है चलो सो पर्टिकुलरली स्टॉक्स लॉ गिव्स द टर्मिनल वेलोसिटी फॉर अ सिंगल स्मूथ। ये पॉइंट ये ध्यान रखना, ठीक है, रिजिड स्फीयर ठीक है क्लियर एवरीवन? ठीक है सो वी इज फंक्शन ऑफ, हम लोग हमें ये फंक्शन का आप ध्यान रखना, यहां से हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे एकदम। इट इज अ फंक्शन ऑफ आपका डेंसिटी एंड पार्टिकल साइज और विस्कोसिटी ऑफ द मटेरियल। ठीक है जनरली विस्कोसिटी को नहीं रखते हम लोग काउंट में, क्योंकि आप अगर आप टेम्परेचर चेंजेस नहीं मारते हो तो विस्कोसिटी ज्यादा चेंज नहीं होता है, तो ये दोनों ही आपके मेन फंक्शन है। ठीक है हेलो क्लियर? सो v इज इक्वल टू g dp स्क्वायर डेंसिटी डिफरेंस दैट इज रो ऑफ पार्टिकल माइनस रो ऑफ फ्लूइड अपॉन 18 मीटर। ये आप लिख लीजिए फटाफट, फिर हम लोग एक दो क्वेश्चन करेंगे उसके ऊपर, और फिर हम आगे उसके बाद सेंट्रीफ्यूगेशन पढ़ेंगे। क्लियर पब्लिक? हेलो जिस इफ यू आर डन देन भाई जी लिखा है ना मेरा। जी का फंक्शन काउंट नहीं करते ईसा, जनरली जी इज कॉन्स्टेंट ओनली। जी तब आता है जब ये दोनों होते हैं, ये दोनों अगर इफेक्टिव नहीं तो जी तो माइनस, जी बहुत ही नेग्लिजिबल इफेक्ट आता है।
इट्स देयर बट इफ देस आर नॉट देयर देन मेजरली डोमिनेटिंग ये दोनों होता है, सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग होता है आपका पार्टिकल साइज, और वो आपको फंक्शंस में भी दिख रहा है. जस्ट चेंज इसका, अगर आप इस पर 10.1 चेंज मारो, इस पर 10. मतलब इस पे 1. जैसे अगर ये इनिशियली 10 है और ये 1 है, ये 10.1 है और ये 0.9 हो गया, इसका डिफरेंस इतना नहीं आएगा. लेकिन अगर ये 1.1 से 1.2 चले जाएगा तो कितना डिफरेंस आएगा, आएगा कि नहीं? यस और नो पब्लिक? हेलो हेलो, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? देखो, अरे कोई माइक ऑन अनम्यूट करके बता सकता है? मैं सुनाई दे रहा हूँ. हाँ सर, सुनाई दे रहा है. देखो, v में जैसे यहाँ पर पर्टिकुलरली v इज प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर p, एंड यहाँ पे अगर हम लोग डेंसिटी का काउंट करें तो आपका रो p माइनस रो f. सी इस व्हाई आई डिडंट टुक g इन द फंक्शन, इन द फंक्शन इटसेल्फ, बिकॉज़ हम लोग तो यार ऐसा तो नहीं है कि हम लोग धरती के बहुत ऊपर जाके g चेक करेंगे एंड g चेक, सारे प्रोसेस तो हम लोग अर्थ पे ही करेंगे ना, तो g तो ज्यादा चेंज वेरिएबल होगा क्या? वो सर इक्वेटर और पोल्स में वेरी करेगा ना. वहां अरे इतना जाएंगे तो फिर तो हमारा प्रोसेस कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. यस और नो? बहुत मतलब यू आर राइट, नो डाउट, बट हम लोग यूनिवर्सल केस मान के चलते हैं ना, ज्यादा हर जगह मतलब वेरी नहीं करता है ना पर्टिकुलरली. यस और नो? ओके सर, ओके सर. मेजरली जी का फैक्टर आप डाल सकते हो, ठीक है डाल देते हैं जी का. मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पर्टिकुलरली विच वन इज द डोमिनेटिंग, वो मैं बता रहा हूँ. देखो आपका इनिशियली यहाँ पर 10 है और यहाँ पे 1 था, यहाँ पे आपने चेंज किया 10.1 और इसको अगर 0.9 कर दिया तो यहाँ से कुछ डिफरेंस आएगा, उसका इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा जितना अगर यहाँ से 1.1 से 1.2 हो गया या 1.1 से 1.0 हो गया. डिफरेंस आए होगी स्क्वायर टर्म में, गेटिंग ना? यस और नो? यस सर. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग साइज विल बी मेजर फैक्टर, वो ज्यादा डोमिनेटिंग. अगर साइज कम होता है तो अल्टीमेटली पूरा इफेक्ट ही कम हो जाएगा, लेकिन अगर साइज बढ़ता है तो पूरा इफेक्ट अलग होता है. इसीलिए जो जिसका फैट पार्टिकल्स बड़ा होता है जनरली उसका सेटिंग जल्दी हो जाता है, ठीक है? नॉर्मल आप प्रैक्टिकल केस में सोचो, मैं वो बोल रहा हूँ. क्लियर पब्लिक? हेलो सर. हाँ बोलिए, और कोई डाउट? सर डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ? स्टॉक्स ला गिव्स द टर्मिनल वेलोसिटी, एक बार रीड कर दीजिए सर, कुछ राइटिंग पता नहीं चल रहा है. ये पेन बहुत बड़ा है यार. स्टॉक्स लो गिव द टर्मिनल वेलोसिटी फॉर अ स्मूथ सिंगल, अब समझ में आ रहा है? सिंगल स्मूथ, यस सर, स्मूथ रिजिड स्फीयर फॉलिंग इन होमोजेनियस मिक्सचर, फॉलिंग इन होमोजेनियस फ्लूइड, ठीक है? धीरे धीरे लिखना पड़ेगा, जल्दी नहीं लिखना. अब समझ में आ रहा होगा, ठीक है स्लोली लिखते हैं. क्लियर एवरीवन? चलो सेंट्रीफ्यूगेशन का भी देख लेते हैं. जनरली इस वाली वेलोसिटी को आपको जनरली मतलब कहीं कहीं मिल जाएगा, कभी फ्लोटेशन वेलोसिटी भी बोल देते हैं. कंफ्यूज नहीं होना कोई भी, अगर कोई बोले सेडिमेंटेशन वेलोसिटी, फ्लोटेशन वेलोसिटी, सेटलिंग वेलोसिटी, ठीक है सब एक ही है. मेरा नाम भावेश है, मेरे को भाव भी बोलता है, कुछ क्या भी बोलता है, जैसे राहुल को पटेल भी बोलता है, कुछ और बोलेगा. सो दैट इज थिंग, नाम अलग अलग होंगे, काम एक ही, ठीक है? फ्लोटेशन वेलोसिटी और सेडिमेंटेशन वेलोसिटी, ठीक है? क्लियर एवरीवन? चले आगे, ठीक है? हेलो, मेरे को आवाज नहीं आ रही किसी. हेलो, हेलो, यस सर, यस सर, आगे बढ़े, यस सर, ठीक है. नाउ देखो क्या होता है जनरली, अगर हम लोग अब एक ड्रॉबैक है ग्रेविटी सेटलिंग मेथड से, इंडस्ट्री पर्पस में सेटलिंग और या फिर सेडिमेंटेशन मेथड्स का इंपैक्ट क्या है कि सबसे पहले बहुत स्लो है. दिस आर द डिसएडवांटेजेस. कभी पूछ ले कि क्या डिसएडवांटेजेस, हम लोग पूरा क्रिस्टल क्लियर कर लेते हैं. पहला डिसएडवांटेज है कि स्लो प्रोसेस, बहुत ही स्लो है, ठीक है स्लो प्रोसेस, ठीक है. नेक्स्ट इज लाइक पर्टिकुलरली दिस इज अ मेजर ड्रॉबैक, और एडवांटेज ये है
नो एनर्जी कंजम्पशन। अरे किसी का माइक ऑन है, बंद कर लो यार, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, नहीं तो मैं सबको एक साथ म्यूट कर दूंगा। रोमा हले ओ मुझे तुमको पूरे प्रॉब्लम है, वो ने टाइम कर लिया सब। कौन है यार, अनम्यूट मत क्यों रहो यार, जब तक कुछ काम नहीं हो मैं सबको अनम्यूट कर दूंगा यहाँ पे पीछे। ओके सो इसको ऑन कर लिया। कौन है यार, करमजीत? चलो हेलो हेलो ओके हेलो यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो चलो जिन, ठीक है आप माइक अनम्यूट कर लो, चलो यहाँ आ जाओ बैक टू पब्लिक। ठीक है इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है क्वेश्चन नंबर वन, आप क्वेश्चन लिखिए। हेलो चलो चलो कोई नहीं, ठीक है शुरू करते हैं। वेलोसिटी ऑफ 2 माइक्रोमीटर डायमीटर नहीं आवाज आ रही किसी को कि नहीं? मेरे यहाँ पर नेटवर्क नहीं सर, आ रहा है सर, आ रहा है, यहाँ पर दिखा रहा है नेटवर्क गया। हेलो 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 आ रहा है सर अभी। ठीक है चलो 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 ओके। द फैट ग्लोबुल्स इज डेंसिटी आपका है 1065 केजी पर मीटर क्यूब एंड डेंसिटी ऑफ स्किम मिल्क इज पर्टिकुलरली 1020। ठीक है viscosity is 0.29 into 10 to the power। fat का density ज़्यादा? गलत हो गया, हाँ हाँ उल्टा है। particularly this should be this ठीक है। हेलो ठीक है सर। हेलो पटेल एक बार चेक करना आवाज आ रही क्या मेरी क्लियर। हेलो हेलो यस सर आ रहा है सर ऑडिबल सर। हेलो यस सर वेट आई रीजॉइन यार पता नहीं बार बार क्या हो रहा है स्क्रीन। हेलो आ रहा है सर।